तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेटा कनेक्टिविटी का। लास्ट क्लासेस में मैंने बताया था कि इस तरीके से हम डेटा कनेक्ट करते हैं एक्सेस के साथ, एक्सेल के साथ और एक्सेस के साथ, एक्सटर्नल डेटा सोर्स के जरिए। तो सेम चीज हमारा इस डेटा रेनोवार में हम इसको इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि अदर डेटा सोर्सेज से कैसे कनेक्ट किया जाता है। हमने लास्ट क्लासेस में एक्सेल के साथ कर लिया था, अब बात आती है वेब के साथ। वेब इट मींस कि आपके पास अगर कोई डेटाबेस है और कोई वेबसाइट है जहां पे कुछ डेटा है, उस डेटा को कैसे आप कनेक्ट करेंगे एक्सेल के जरिए, एक्सेल में, या कोई डेटा लाइव वहां पे अगर चेंज हो रही है उसको कैसे कनेक्ट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूं फाइनेंस, मैंने यहाँ पे गूगल फाइनेंस को या याहू फाइनेंस जो भी होता है, गूगल फाइनेंस को मैं यहां से सर्च किया। अब गूगल फाइनेंस के कुछ डेटा है जो लाइव डेटा है, जैसे इस डेटा है जो कि चेंज होते रहते हैं, इस डेटा को हमें एक्सेल सीट के ऊपर लेके आना है। तो इसको मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ फ्रॉम वेब और जहां यूआरएल है उस पर मैं पेस्ट कर देता हूं। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर की तरह चलेगा और देखिए इसको हम लोग वेब क्यूरी कहते हैं, ये आपका आ गया। अब इसमें कि इसकी पूरी सीट को भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं या एक पर्टिकुलर इस पेज में से किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को हम कर सकते हैं जिसमें इस तरह का एरो निशान बना हुआ है। हमने इस पे क्लिक किया तो वो पर्टिकुलर एरिया वो हमारा कॉपी हो जाएगा। तो इस पे देखिए कि कौन सा कहां पे एरिया बन रहा है। अब पहले इसमें बन जाते थे बट इसमें अब नहीं बन रहे हैं, पता नहीं क्यों, सर्च पेज है सर इसीलिए। एक मिनट मैं दूसरा सर्च करता हूं, स्टॉक मार्केट। थोड़ा सा इंटरनेट एक्सप्लोर के मुकाबले थोड़ा सा फास्ट चलता है। वेब स्क्रिप्ट को यस कर दीजिएगा। लेकिन इसमें आप इमेज वगैरह जो है नहीं आता है, सिर्फ इसका डेटा आता है, समझ गए। जैसे ये देखिए ना, ये निशान दिख रहा होगा, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरा जो है ना S&P सेंसेक्स का जो पार्ट है वो यहां पे सिर्फ आएगा। इस तरह से आप नीचे देख सकते हैं जिसपे निशान, क्योंकि ये जो है सर्विसेज पूरे को सपोर्ट नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, वो जो टेबल फॉर्म में होते हैं उसी को सपोर्ट करता है। या आप पूरा का पूरा पेज को आप कर सकते हो, अगर दिक्कत है तो पूरा पेज को कर लीजिए। तो मैंने एक पर्टिकुलर पार्ट को यहां से सेलेक्ट कर लिया हुआ है, अब मैं इंपोर्ट करूंगा और ओके करूंगा। एंड ओके। कुछ प्रॉब्लम है आया नहीं। एक मिनट मैं कनेक्शन पे जाता हूँ। सही क्यूरी नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम है इस क्यूरी में, मैं कोई और क्यूरी लाता हूँ, रुक जाइए।
मैं दोबारा से करता हूँ। यहाँ पे डेटा फ्रॉम वेब यस, और इसको यहाँ पेस्ट कर दिया। अब इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूं, ये पूरा पेज ही होगा, पेज का एक पर्टिकुलर पार्ट को रीड नहीं कर पा रहा है। तो मैं कुछ और मैं दिखाने की कोशिश कर, पहले गूगल फाइनेंस से बहुत अच्छा आ जाता था, बट गूगल फाइनेंस के वेबसाइट जब से चेंज हुआ है तब से दिक्कत है। याहू फाइनेंस कर लीजिए। देखता हूँ देखता हूँ, मैं क्रिकेट का कर दिया। नहीं, इसमें भी सपोर्ट नहीं कर रहा। मैं इसको अगर इंपोर्ट कर देता हूं तो पूरा का पूरा पेज इंपोर्ट हो जाएगा। देखिए ठीक है, लेकिन ग्राफिक्स नहीं होगा, ओनली फॉर डेटा। और ये डेटा कनेक्टेड है आपकी किससे, उस साइड से। अगर चेंज होगा तो ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, ऐसे जैसे कि मेरे पास और भी डेटा कनेक्टिविटी वगैरह है, उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं इसमें। फ्रॉम वेब में आप यहां पे अपने हिसाब से कुछ भी डालें, इसको इंटरनेट की तरह इस्तेमाल करें। अब इसका यूज दो चीजों के लिए, एक तो लाइव स्कोरिंग के लिए होता है कि आपका वहां वेबसाइट पे चेंज होते हैं, ऑटोमेटिक चेंज हो जाए, एक इसके लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है कि कभी कभी बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जो कि कॉपी को डिसेबल लगते हैं, समझ गए, वहां पे आप डेटा को कॉपी नहीं कर सकते। तो ऐसे वेबसाइट को भी हम इस तरह से इंपोर्ट करते हैं ताकि, क्योंकि वहां पे कॉपी तो हो नहीं सकता, तो यहां पे हम लोग इसको डाल के लाते हैं। बहुत सारे वेबसाइट पे मुझे मिला है जिसमें हम कॉपी को, डेटा को कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है सर, हैंग हो गया। तो आप लोग भी डिफरेंट वेबसाइट पे चेक कीजिएगा, ठीक है।
जी सर, इसलिए मैं इसको नहीं खोल रहा था। हैंग हो गया, देखिए आ गया। तो फ्रॉम वेब ट्राई कीजिएगा। अब बात करते हैं फ्रॉम टेक्स्ट कि अगर आपके कोई डेटा नोट पैड पे है तो कैसे लेके आएंगे, समझ गए? कि अगर आपके डेटा को कि नोट नोट पैड में आपने रखा हुआ है, टेक्स्ट फाइल में रखा हुआ है, अब बात आती है टेक्स्ट फाइल में होता कब है। टेक्स्ट फाइल में जैसे कि हम लोग बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि हमारे ऑफिस में इसमें कॉल सेंटर था, एक आइडल नाम का सॉफ्टवेयर था, वो पूरा का पूरा डेटा जो ये करता था, डाउनलोड करता था, वो नोट पैड में ही करता था, कॉलिंग का डेटा। जैसे कि नोट पैड में डेटा दो तरह से होता है, एक होता है टैब सेपरेटर, मतलब कि एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप आता है वो गैप होता है आपका इसका क्या बोलते हैं टैब का, जैसे नेम रोल मार्क्स, ठीक है। दूसरा होता है कॉमा सेपरेटेड, मतलब कि एक एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच में जो गैप होता है वो होता है कॉमा का। तो दोनों केसेस में कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है वो, उसका काम है सिर्फ मैंने डाउनलोड करना, तो डाउनलोड इंपोर्ट करना, तो इंपोर्ट कर देता है वो। जैसे मैंने यहाँ पे 1.txt कर दिया। हाँ, अब क्यों यहाँ पे जाते हैं और हम फ्रॉम टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अपने लोकेशन पे जाते हैं, इसको सेलेक्ट करके इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट करते आपसे पूछता है कि भाई कॉलम को कैसे सेपरेट करूं, जो आपका कॉलम है उसको तो यहाँ पे डिलिमिटेड है, तो हमने यहाँ पे किया टैब सेपरेशन, कॉमा होगा तो कॉमा सेपरेशन कीजिएगा, टेक्स्ट कॉलम में जाता है और आपका इस तरह से आ जाता है। इस तरह से आप टेक्स्ट से इंपोर्ट कर सकते हो। टेक्स्ट के बाद बात आता है फ्रॉम अदर सोर्सेस, जैसे कि SQL सर्वर। तो आपका डेटा अगर मान लीजिए SQL सर्वर में है, मैं SQL सर्वर को ओपन कर रहा हूं, और मेरे पास एक SQL सर्वर है और मुझे इसका डेटा इंपोर्ट करना है, राइट? तो इसके लिए कैसे करेंगे, चलिए गेट एक्सटर्नल सोर्स पे जाएंगे, यहाँ पे फ्रॉम SQL सर्वर को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पे अपना अपना SQL सर्वर का ये डालेंगे, पाथ डालेंगे। अब देखिए कि SQL सर्वर का अगर पाथ आप डालते हैं तो ठीक है, तो दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगला मेरे पास मेरा एसक्यूएल सर्वर क्या है, मेरे इसी पीसी में सेव है, तो ये हम यहाँ पे लोकल होस्ट है, तो यहाँ पे मैं यूज विंडो एथोरिजेशन यूज कर रहा हूँ। लेकिन आप लोग ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे तो इसका ध्यान रखिएगा कि आपके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड हो, आप उसका यूज करेंगे। ठीक है सर, अगर ये लिनक्स सर्वर के अंदर एसक्यूएल सर्वर है फिर तो उस केस में? तो एक्सेल आप यूज कर रहे हो ना, बस सर्वर नेम होना चाहिए काम करता है। अगर लिनक्स सर्वर के अंदर है तो आपके पास क्लाइंट होगा ना, क्लाइंट सर्वर होगा ना, यस सर। तो क्लाइंट सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ठीक है सर। फिर नेक्स्ट, अब यहां पे आपका डेटाबेस सिलेक्ट करना, कौन सा डेटाबेस है, फिर सिलेक्ट करना टेबल कि आपका टेबल कौन सा है, फिर नेक्स्ट एंड फिनिश। यस ओके, आपका डेटा आ जाएगा। ठीक है सर, इस तरह से आपके पास अगर सिक्वल सर्वर है तो सिक्वल सर्वर के लिए भी आप यहीं पे सेम प्रोसीजर अपनाओगे। ये रहा आपका, नहीं 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 ये नहीं, हाँ इसी सर, इसे क्लिक कीजिए, आप सिलेक्ट कीजिए जो आपका लेना चाहते हैं, जैसे ओरिकल से करना है। ठीक है नेक्स्ट, अपना सर्वर यहाँ पे सर्वर नेम डालिए, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डालना पड़ेगा, बिना उसमें नहीं चलता है। फिर आप सर्वर चूज करिए, टेबल चूज कीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए। मेरे पास ओरिकल नहीं है, बना करके दिखा देता आपको। राइट सर, अगर ये एसक्यूएल सर्वर में अगर बहुत सारा डेटा है और अपने को कुछ एक डेटा ही चाहिए तो क्वेरी लगा के कैसे वो करते आगे हैं? एमएसक्यूरी बताएंगे, वो कल की क्लास में बताएंगे, आज की क्लास में नहीं। ठीक है ठीक है, उसी तरह से आपका एक्सएमएल डेटा है तो आप एक्सएमएल डेटा इंपोर्ट कर सकते हो या डाउनलोड कर सकते हो। एक्सएमएल डेटा समझते ना क्या होता है? बहुत सारे वेबसाइट है, सर ये बाइनरी फॉर्म में होता है उसे ही कहते हैं ना? नहीं 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 बहुत सारे वेबसाइट जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो एक्सएमएल डेटा को सपोर्ट करते हैं, समझ गए? कोई एग्जांपल लेके समझाओ ना सर। तो मुझे एक्सएमएल डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा पहले, तो मुझे एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा, उसको एक्सएमएल में सेव करना पड़ेगा ना। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम और सेल्स दिया हुआ है,
पेस्ट कर, फिर मुझे इस फाइल को सेव एज एक्सएमएल करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट इन एक्सएमएल करना पड़ेगा। नहीं एक्सएमएल एक्सपोर्ट नहीं है, नहीं पब्लिश में भी नहीं, पब्लिश में आता था लेकिन नहीं, सेव एज ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे एक्सएमएल लेटर, मुझे मैपिंग भी चाहिए, बिना मैपिंग के नहीं सेव होगा सर। एक्सएमएल मैपिंग नहीं है तो नहीं हो पाएगा, मैं इसको कल करके दिखा दूंगा, ठीक है सर। मैं एक्सएमएल डेटा एक बार बना लूंगा, इसके बाद मैपिंग क्रिएट करने में टाइम लगेगा सर। और हम एक्सएमएल डेटा को यहां से इंपोर्ट करते हैं, यहां पे सोर्स एक्सएमएल का सोर्स है, फिर लेते हैं मैपिंग एक्सएमएल मैप्स को लेते हैं, क्या रूट क्या है क्या है, तो ऐसा देना होता है, मैं आपको बताऊंगा इसको आगे, ठीक है। इसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है सर, ठीक है। इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी सर थोड़ी सी, कोई नहीं सर, कोई नहीं। उसके बाद इसमें आप अगर आप नया वर्जन एक्सेल इस्तेमाल करते हैं जैसे कि 16-13, तो आपको यहाँ पे गेट एंड ट्रांसफॉर्म भी दिखेगा, जिसमें और भी नई चीजें हैं आपके, जैसे कि अगर न्यू क्वेरी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा फ्रॉम फाइल, एक्सेल फाइल, सीबीएस, फ्रॉम एक्सएमएल, या फ्रॉम टेक्स्ट, या फ्रॉम फोल्डर। तो टेक्स्ट हम बात कर चुके हैं, सीबीएस नॉर्मल होता है, और एक्स वर्कबुक भी हम कर चुके हैं, राइट। ये जो चीजें थे ये आपको 2007 में मिलेगा, 2010 में मिलेगा, 13 में मिलेगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है आपका 2016-13 में मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक नया ऑप्शन है फोल्डर, कि आप एक फोल्डर में कितने पर्टिकुलर फाइल है उसका लिस्ट निकाल सकते हैं, मतलब कि फोल्डर को आप कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहां पे आपने फोल्डर का पाथ डाल दीजिए, जो भी आपका फोल्डर का पाथ है, जैसे कि मैं डी ड्राइव को ठीक है एन ओके कर दिया, और फिर आप इसको ओके कीजिए। ये आपके इस फाइल के पूरा आ गया, अब ये तो आपको दिख रहा है, आप इसको लोड करना चाहते हैं एक्सेल पे तो इसको लोड कर दीजिए। आ गया डेटा, ठीक है। अब इसमें डबल क्लिक करेंगे तो वापस आ जाएगा चेंज करने का ऑप्शन, कि कुछ अगर चेंज करना चाहते हो तो चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ये पावर क्वेरी एडिटर खुल गया, इसमें हम चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। सर ये तो जो फाइल फोल्डर जो आपने कॉपी किया है इसके अंदर ये तो फाइल्स हैं, ये फाइल्स तो कोई डेटा पड़ा होगा, तो फाइल का डेटा तो ही लाएगा सर, वीडियो वीडियो फाइल के डेटा एमपी डॉट एमपी फोर का डेटा थोड़ी लेके आ जाएगा सर। नहीं सर, एक्सएमएस जो आपने लिखा हुआ है, एक्सेल की जो कुछ फाइल्स हैं वो भी तो है पड़ी हुई उसमें। नहीं तो फाइल सिर्फ फाइल का लिस्ट देता है सर, ये फोल्डर को कनेक्ट कर रहा है ना, पर्टिकुलर फाइल को कनेक्ट थोड़ी कर रहा है। फाइल को कनेक्ट करना है तो आप उसका अलग ऑप्शन बताया था, उसके जरिए कनेक्ट करेंगे ना आप। ओके ओके, तो फोल्डर कनेक्ट कर रहा है ना सर, फोल्डर का कह सकते हो कि नाम है, फोल्डर में जो फाइल्स पड़ी उनका नाम इंपोर्ट कर दो, उसका फाइल लिस्ट बाकी डिटेल फोल्डर में। फोल्डर क्या कैरी करता है, फाइल का नाम, एक्सटेंशन, कब क्रिएट था, कब मॉडिफाइड, कब एक्सेस्ड हुआ, कब क्रिएटेड हुआ, कब मॉडिफाई हुआ, किस पाथ में पड़ा हुआ, यही है ना।
और इसके फोल्डर के अंदर जितने सब फोल्डर है ना, सबको ले लिया है इसने, देख रहे हैं आप? जी, तो फोल्डर एंड सब फोल्डर उसके पूरे को इसमें इंपोर्ट कर दिया है। एक अच्छी चीज है, इसलिए बताया आपको मैंने, राइट? जी, उसके बाद आपका फ्रॉम डेटाबेस है, सारे डेटाबेस के सारे सिस्टम्स है कि आप किस किस डेटाबेस पे ले सकते हो। अजूरे एप्लीकेशन है, एक अजूरे सॉरी होता है, बिल्डो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उससे ले सकते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज है आपके, जैसे आप यहाँ से फेसबुक का जितने फ्रेंड रिक्वेस्ट है उसको कंबाइन इंपोर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है सर? फ्रॉम अदर सोर्सेज, फ्रॉम देव, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट से चाहिए आपको तो वेबसाइट का डेटा भी ला सकते हैं। यहाँ पे वेब का यूआरएल दे दीजिए, जैसे कि मैं कोई यूआरएल दे देता हूँ, मैं इसी को देता हूँ, ये गलत कर दिया। रुक जाइए, रुक जाइए, ओपन फाइल एज एचटीएमएल पेज। ये सिमिल पेज क्या लाया, मुझे करना था, क्लोज इन लोड करता हूँ। मैं दोबारा अगर दूसरे तरीके से बताता हूँ, डेटा क्यूरी फ्रॉम वेब, मेरा पासवर्ड इनकरेक्ट हो गया।
कुछ दिक्कत हो गया सर, मतलब आप जो है किसी पर्टिकुलर पेज से कनेक्ट कर सकते हो आप यहाँ से, कोई भी एक वेबसाइट चाहिए आपको, किसी भी तरह की वेबसाइट डेटा, उससे इसको लिंक कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ, एक और वेबसाइट मैंने लिया है, देखिए वेबसाइट के जितने भी डेटा है टेबल में आ गया, लोड एंड क्लोज करता हूं मैं, आसानी से आ गया सारा डेटा सर, आ गया ना सर, दिख रहा है सर, तो वेब पेज का पूरा डेटा हमने यहाँ ला दिया। तो इसी तरह से आप पेजेस के डेटा को कंबाइन इसका मतलब कर सकते हो, इससे क्यूरी से अलग अलग डेटाबेस अलग तरीके से, ठीक है। अब इसमें एक अपेंड क्यूरी भी है, जैसे मान लीजिए कि कुछ नए चीज के साथ ऐड करना चाहते हो तो अपेंड क्यूरी चला सकते हो, जैसे आपको दो दो फाइलों का करना लिंक करना हो तो इसका कर सकते हैं। कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे आपके साथ माइक्रोसॉफ्ट क्यूरी के बारे में, जहां हम एसक्यूएल की क्यूरी लिखना आपको सिखाएंगे, ठीक है, वो हम कल की क्लास में करेंगे। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, ओके सर, ओके बाय, गुड नाइट।